सरपंच जवाबदार नहीं रहेंगे, जनपद पंचायत और तहसीलदार श्रीमान जी, तहसीलदार महोदय जी जवाबदारी रहेंगे। दो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। आज हम आपको एक ऐसी समस्या दिखा रहे हैं जिसका शीघ्र तत्काल समाधान नहीं किया गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा के बॉर्डर क्षेत्र सागर जिले की अदावन ग्राम की, जहाँ के लोग जान हथेली पर रखकर इस क्षतिग्रस्त पुलिया पर से बेखौफ होकर रोज आवागमन कर रहे हैं। यह पुलिया विगत 2 माह पूर्व अत्यधिक बारिश होने के कारण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गई थी, अतः आज वर्तमान में इसकी हालत बस से बदतर होते हुए इसे मौत की पुलिया कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जनता सेवा एक्सप्रेस टीम ने इस कार्य को कराने की मुहिम उठाई तो सरपंच प्रतिनिधि ने अपना पल्ला झाड़ते हुए हाथ खड़े करते हुए यह कहा। आज हमारे साथ अदान ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि दरिया हुसैन जी हैं, जो विगत 2 माह से अपने ग्राम की मुख्य समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं। वो बताएंगे हमें कि उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में। हाँ सर जी, जो मेन रोड की पुलिया है यूपी बॉर्डर लगो अदावन की, उस पर लोडिंग वाहन निकल लें तो 2 माह पहले उसकी सूचना अपन ने जनपद पंचायत में दी है, तहसीलदार महोदय साहब को दी है, उसकी आगे कोई सुनाई नहीं हुई है। कोई अगर जो उस पर दुर्घटना हो जाए, लोडिंग वाहन निकल रहा है खाद निकलने, अब किसानों की खेती हो रही है उसमें ट्रक वाहन निकलने, तो पुलिया टूट जाएगी तो वहाँ पर बहुत मतलब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पुलिया पूरी फुल टूटी, थोड़ी भी दी है तो उस पर वो वाहन निकाल दे आदमी। आप तो हमें ये बताइए कि अदान गांव के लोग अगर आने चाहें तो कोई रास्ता है क्या पुलिया के अलावा? कोई रास्ता नहीं है, मुख्य रास्ता है। प्रशासन को 2 माह पहले दी, कोई उसका रुचि नहीं ले रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी इसकी मतलब रुचि ले, जल्दी से जल्दी इसका कार्य निर्माण हो जाए ताकि कोई क्षतिग्रस्त हो जाएगी कि कोई भी वाहन पलट जाए मर जाएगी तो सरपंच जवाबदार नहीं रहेंगे, जनपद पंचायत और तहसीलदार श्रीमान जी, तहसीलदार महोदय जी जवाबदारी रहेंगे। 2 माह में सूचना दे चुका हूँ। तो वहीं हमने आगे तहसीलदार महोदय का दरवाजा खटखटाया तो वहां से कुछ ठीक ठाक जवाब मिला। सर जी, अदावन की पुलिया क्षतिग्रस्त है मुख्य सड़क की, इस पर अदावन ग्राम के लोग बता रहे हैं कि 2 महीने पहले आपको ज्ञापन भी दिया था और आपसे मांग की थी। हाँ, अदावन ग्राम के लोग आए थे तो उस समय उन्होंने आवेदन दिया था कि पुलिया क्षतिग्रस्त है। इसके बारे में मैंने PW विभाग को पहले पत्र लिख दिया था और आज पुनः ही आपने इस बात को संज्ञान में लाया है। मैंने PW विभाग से बात की और उनने आश्वासन दिया है कि हम तुरंत ही कार्यपालन यंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और तुरंत इस पर कार्रवाई करवाते हैं। पुनः आज आपने अवगत कराया, फिर से मैं उनके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ, मौके तो मैंने बता ही दिया और इस पर जल्दी से जल्दी ही पुलिया के मरम्मत की कार्रवाई हो गई ताकि ग्रामीणों को आने जाने में असुविधा ना हो। और अंत में PWD इंजीनियर से हमारी टीम मिली और उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर पुलिया का कार्य पूर्ण कराने की बात कही। अदावन की पुलिया के संबंध में क्या है कि इसके टेंडर हो चुके हैं और अभी एग्रीमेंट 2-3 दिन के अंदर हो जाएंगे, तो जैसे ही एग्रीमेंट होते हैं तो संबंधित जो भी ठेकेदार होगा उसको सबसे पहले यही काम करवाया जाएगा, अदावन की पुलिया का मरम्मत का कार्य। हाँ, 1 सप्ताह के अंदर काम चालू कर दिया जाएगा।